हेलो स्टूडेंट, आज हम मिलते जुलते नामों वाली दो डिसीज कंडीशन होती है। एक तो एम्फाइसिमा होता है और एक एम्पाइमा। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है या दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एम्फाइसिमा एंड एम्पाइमा। तो दोनों डिसीज कंडीशन की अगर सिमिलरिटी अगर देखें तो वो एक तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके लंग्स की डिसऑर्डर होता है, मतलब दोनों ही लंग्स जो है उसकी डिसीज कंडीशन होती है। एम्फाइसिमा जो होता है उसका अगर मतलब अगर देखें डेफिनेशन तो वो होता है डिस्टेंशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्विलर वाल, मतलब लंग्स जो है उसकी जो एल्विलाई होती है जिसमें एल्विलाई आती है, एल्विलर डक्ट आती है और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आते हैं, तो उनकी जो वॉल जो होती है, दीवारें जो होती है उसके अंदर क्या होता है डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाती है और उसके अंदर डिस्टेंशन मतलब फैलाव हो जाता है। तो यह एक प्रकार से एबनॉर्मल डायलेटेशन या एनलार्जमेंट ऑफ एल्विलाई वाल जो होती है, मतलब एल्विलाई जो होती है उसकी जो वॉल जो होती है दीवार है उसके अंदर असामान्य रूप से हमेशा के लिए विस्तार मतलब फैलाव हो जाता है, उस कंडीशन को ही एम्फाइसिमा कहा जाता है। मतलब सिंपल है कि जो एल्विलाई जो है उसकी जो वॉल जो होती है दीवारें जो होती है उसके अंदर क्या होता है विस्तार मतलब फैलाव हो जाता है, उसके कारण से एल्विलाई जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है और एनलार्ज होने के कारण से गैसों का एक्सचेंज होता है वो वहाँ नहीं हो पाता और उसके कारण से एम्फाइसिमा की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है। जबकि एम्पाइमा जो है उसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पस विद इन द प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी जो होती है उसके अंदर पस जो होता है मवाद उसका क्या हो जाए कलेक्शन हो जाता है, मवाद इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन को एम्पाइमा कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस तो ये हो गया कि एम्फाइसिमा जो है उसमें क्या होता है एल्विलाई डैमेज होती है, जबकि एम्पाइमा के अंदर प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन होता है, पस इकट्ठा हो जाता है। अफेक्टेड पार्ट अगर देखें कि कौन से पार्ट इसमें अफेक्ट होते हैं तो एम्फाइसिमा के अंदर तो क्या होता है कि टर्मिनल ब्रोंकियोल जो होते हैं उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आते हैं, एल्विलर डक्ट आती है और एल्विलाई आती है, ये अफेक्ट होते हैं। उनके अंदर क्या होता है डिस्टेंशन मतलब फैलाव हो जाता है या उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जबकि एम्पाइमा के अंदर क्या होता है प्लूरल कैविटी जो होती है, प्लूरल कैविटी क्या होती है लंग्स जो है उसके आउटर कवरिंग होती है प्लूरा, उसमें एक तो लेयर होती है पेराइटल और दूसरी लेयर होती है विसरल लेयर होती है, दोनों के बीच में स्पेस होता है जिसको प्लूरल कैविटी कहा जाता है और इसमें बहुत ही कम मात्रा के अंदर फ्लूड होता है, प्लूरल फ्लूड होता है। इस प्लूरल कैविटी जो है उसके अंदर ही मेनली क्या होता है पस जो इसका कलेक्शन हो जाता है और ये ज्यादातर पार्ट होता है वो लोअर पार्ट जो होता है लंग्स का वो अफेक्टेड होता है, मतलब लोअर पार्ट जो होते हैं वहां पर पस का कलेक्शन हो जाता है। तो ये तो दोनों के डिफरेंस जो है वो हो जाएगा। तीसरा अगर डिफरेंस देखें इसके कोज के अंदर, कि दोनों के कोज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो एम्फाइसिमा जो है वो क्या है एक प्रकार से सब टाइप ऑफ सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो है उसका एक सब टाइप होता है, एक सीओपीडी का एक बड़ा कारण होता है। और ये एम्फाइसिमा जो होता है उसका कारण है एक तो स्मोकिंग है, एक एयर पोल्यूटेंट जो है उसका इन्हेलेशन कर ले उसके कारण से, एक और कारण होता है इसका अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है उसकी डेफिशिएंसी के कारण से। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन होता है और ये क्या करता है एक प्रोटीनेज एंजाइम जो होता है उसको डैमेज या इनहिबिट करने का काम करता है और ये प्रोटीनेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि लंग्स की जो इलास्टिक टिश्यू जो है उसको डिस्ट्रक्ट करता है, मतलब उसका ब्रेक डाउन करता है। और अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है उसको क्या करता है उसको ब्रेक डाउन करने से प्रिवेंट करने का काम करता है। यदि अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्रोटीनेस एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि लंग्स के जो इलास्टिक टिश्यू जो उसका ब्रेक डाउन कर देता है और उसके कारण से लंग्स की इलास्टिसिटी जो है वो लॉस हो जाती है और उसके अंदर क्या होता है डिस्टेंशन मतलब विस्तारण या फैलाव हो जाता है और उसके कारण से एम्फाइसिमा होता है। जबकि एम्पाइमा जो है वो क्या है बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है, मतलब यदि बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है किसी को तो उसके कारण से उसको एम्पाइमा जो है वो होने की संभावना रहती है। इसका जो बड़ा कारण जो होता है वो होता है एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो होता है, किसी बैक्टीरिया जो है उसके कारण से इन्फेक्शन हो जाए, खास करके पायोजेनिक बैक्टीरिया जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस आते हैं और स्टेफाइलोकोकस आते हैं। तो ये तो दोनों के कोज के अंदर डिफरेंस या अंतर जो है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन दोनों के सिम्टम में क्या अंतर होता है, मतलब दोनों के लक्षणों में क्या अंतर होता है। तो एम्फाइसिमा जो है उसके अंदर फीवर जो है वो ओकेशनल होता है, बहुत कम मात्रा में आता है, कभी कभी आता है, जबकि एम्पाइमा जो है उसके अंदर क्या होता है फीवर जो है वो आता ही है, उसको हाई फीवर आता है क्योंकि एम्पाइमा में क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके कारण से। तो एक तो फीवर जो है वो हो गया। सेकंड कफ अगर देखें तो एम्फाइसिमा के अंदर कफ आता है वो कैसा आता है स्पूटम के साथ आता है, मतलब कफ के अंदर स्पूटम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जबकि एम्पाइमा के अंदर कफ जो होता है वो कैसा होता है ड्राई कफ आता है, मतलब स्पूटम जो है वो ज़्यादातर उसमें नहीं होते हैं। थर्ड अगर देखिए साउंड, तो विजिंग साउंड जो है वो एम्फाइसिमा में सुनाई देता है क्योंकि यहाँ पर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है और एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से वहाँ पर विजिंग साउंड जो है वो सुनाई देता है। जबकि एम्पाइमा में क्या होता है कि ब्रिज साउंड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ब्रिज साउंड जो है वो सुनाई नहीं देते, कारण क्या होता है कि पस का कलेक्शन हो जाता है, पस कलेक्शन के कारण से साउंड जो होते हैं उसको ऑस्कल्केट करने मतलब सुनने पर सुनाई नहीं देंगे या कम सुनाई देते हैं। पहला सिम्टम एम्फाइसिमा के अंदर चेस्ट जो है वो बैरल चेस्ट हो जाता है, मतलब चेस्ट जो है उसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। होता क्या है यहाँ पर कि एल्विलाई जो होती है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है जिसके कारण से उसके अंदर एयर जो है भरी हुई रह जाती है और उसके कारण से लंग्स जो होते हैं वो हाइपर इन्फ्लेट हो जाएगी।
और हाइपर इन्फ्लेट होने के कारण से क्या होता है कि चेस्ट जो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो एंटीरियर पोस्टर डायमीटर जो होता है वो क्या होता है इंक्रीज़ हो जाएगा और उसको ही बैरल चेस्ट कहा जाता है। और उसमें क्या होता है कि रिब्स जो होती है वो तो इंस्पायर रेक्टी की पोजिशन जो होती है उसमें फिक्स हो जाती है, क्योंकि शोल्डर जो होते हैं वो अपवर्ड जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं और उसके कारण से एंटीरियर पोस्टर डायमीटर जो होता है चेस्ट वो इंक्रीज़ होता है और उसी को बैरल चेस्ट कहा जाता है। क्योंकि एम्पायमा के अंदर अगर देखें तो फ्रोजन चेस्ट होता है। एम्पायमा में क्या होता है पस जो है उसका फॉर्मेशन होता है, पस फॉर्मेशन के बाद वहाँ पर फाइब्रोक्रूलेंट क्लॉट बन जाता है, मतलब फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा और उसके कारण से दोनों लेयर जो होते हैं विस्ट्रल और पेराइटल दोनों क्या होती है आपस में अटैच हो जाती है, चिपक जाती है और चिपकने का कारण से लंग्स की मूवमेंट जो होती है वो रिड्यूस होती है, कम हो जाती है और उसके कारण से वहाँ पर फ्रोजन चेस्ट जो है वो वाली कंडीशन उत्पन्न होती है। एक और अगर देखें सिम्टम दोनों में तो वो होता है चेस्ट टाइटनेस। एम्फाइसिमा के अंदर चेस्ट टाइटनेस होता है, मतलब चेस्ट जो है उसके अंदर टाइटनेस होती है, छाती में भराव जो है वो महसूस होता है। कारण उसका क्या होता है कि लंग्स हाइपर इन्फ्लेट होते हैं, मतलब एयर जो होती है वो उसमें भरी हुई रह जाती है, एयर पूरी तरह से लंग्स से खाली नहीं हो पाती है और उसके कारण से चेस्ट जो है उसके अंदर खिंचाव महसूस होता है। जबकि एम्पायमा जो उसके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होगा लंग्स के अंदर मूवमेंट होती है और मूवमेंट के कारण से क्या होगा यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है और इन्फ्लामेशन के कारण उसको क्या पेन होगा और पेन जो होता है वो कैसा होता है सीवियर होता है और शार्प होता है, मतलब डिडल चुभ रहा है वैसा पेन होता है, उसको ही प्लूराइटिक चेस्ट पेन कहते हैं। और ये प्लूराइटिक चेस्ट पेन जो होता है वो इंस्पायरेशन जो करता है पेशेंट इनहेल करता है उस दौरान होता है। एक और सिम्टम देखे साइनोसिस, तो एम्फाइसिमा के अंदर क्या होता है कि एल्वियोलाई वाल्व जो होती है वो क्या होती है डैमेज हो जाती है और डैमेज होने के कारण से ऑक्सीजन जो है उसका एक्सचेंज नहीं हो पाता और उसके कारण से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लू कलर की हो जाती है, उसको ही साइनोसिस कहा जाता है। तो एम्फाइसिमा में साइनोसिस जो होता है वो मोर कॉमन होता है, मतलब ज़्यादा होता है, क्योंकि एम्फाइमा के अंदर साइनोसिस की संभावना जो है वो बहुत ही कम होती है, ज़्यादातर साइनोसिस जो है वो नहीं होता है। एक डिस्निया दोनों के अंदर होता है लेकिन एम्फाइसिमा के अंदर डिस्निया जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी जो है या शॉर्टनेस ब्रीथ वो एम्फाइसिमा में ज्यादा रहती है जबकि एम्पायमा के अंदर उसकी संभावना जो होती है वो कम होती है। तो ये तो दोनों के सिम्टम के अंदर क्या डिफरेंस है वो हो गया। अब बात करते हैं अपन प्रोग्नोसिस के अंदर डिफरेंस अगर देखें तो एम्फाइसिमा जो है उसके अंदर क्या होता है कि एल्विलाई जो है उसके अंदर परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है, वो वापस ठीक नहीं होता, मतलब इसका क्योर जो है वो नहीं है, नो क्योर होता है इसका। इसके अंदर पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन जिसके अंदर मेनली ब्रोंकोडाइलेटर आता है, लाइफ स्टाइल चेंजेस आती है और ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज जो है वो इसमें ज़्यादातर काम में ली जाती है। जबकि एम्फाइमा जो है वो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से होने वाली कंडीशन है, इसलिए इसको एंटीबायोटिक के द्वारा ट्रीट जो है वो किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर चेस्ट ड्रेनेज जो है जिसमें थोरासिंथेसिस किया जाता है, थोरासिंथेसिस में क्या करते हैं नीडल जो है उसकी सहायता से पस जो है उसको क्या करते हैं एस्पिरेट कर लिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसके द्वारा एम्फाइमा जो उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये तो हो गया एम्फाइसिमा और एम्फाइमा दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है वो। एम्फाइसिमा और एम्फाइमा दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियो जो है वो चैनल में है, आप चाहो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।